बलों के काफिले पर उग्रवादियों का हमला हुआ और इस हमले में असम राइफल्स के सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर आई है। नीरज राजपूत हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए प्रीति, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि असम राइफल्स की एक टुकड़ी थी जो कि जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट है ये मणिपुर का, जहां पर ये पोस्टेड थे असम राइफल्स से कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी नाम है इनका, और ये अपनी एक कंपनी की पोस्ट पर विजिट करके लौट रहे थे। इनके साथ इनकी पत्नी और इनका एक छोटा बेटा भी था, माइनर बेटा है, तो वो भी काफिले में लौट रहे थे। उसी वक्त ये बताया जा रहा है कि जो उग्रवादी संगठन की तरफ से जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, एक पीएलए नाम का उग्रवादी संगठन है, उसने ये अटैक किया इनके काफिले पर असम राइफल्स के। उसमें ये जानकारी, अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो जीओ है विप्लव अवस्थी, जो कि सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी है, वो उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। एक और जवान की मौत होने की खबर है, चार लोगों की अभी तक मौत की खबर हो चुकी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि अभी भी गन फायर वहां पर चल रहा है। ठीक है नीरज, जिस तरह के भी अपडेट्स आएंगे वहां से हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये दुखद खबर है कि सीओ, उनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई इस हमले में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।